हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया, मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूँ पुत्र, हाँ इसका दोषी मैं हूँ। मैं ही तुझे इन हाथों से यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये तो माया का विधान था जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को ना निभा सका। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। राजकुमार कृष्ण की जय।
मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा ना कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था, इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका। परंतु मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया, मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, हाँ इसका दोषी मैं हूं। मैं ही तुझे इन हाथों से यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया, इसका दोषी मैं हूं पुत्र, मैं हूं। इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह तो माया का विधान था जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को ना निभा सका। हे पिताश्री, मनुष्य को यह शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। कंस की वजह से परतंत्र होने के कारण हम आपकी कोई सेवा ना कर सके, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कैसे कृष्ण, क्षमा कैसे? अरे तुम्हें तो पुत्र रूप में पाकर हमारे ये जीवन धन्य हो गया, फिर क्षमा कैसी पुत्र, क्षमा कैसी? भैया अक्रूर जी, भैया Oh
राजकुमार वसुदेव, आज आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने इनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। भाभी, आते समय यशोदा ने आपसे एक बात कहने को कहा था कि अपने लाल की केवल एक दहाई समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। नहीं भैया, यशोदा धाई नहीं है। इतिहास में आने वाले युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की असली मां कहेंगे। वही मेरे कृष्ण की असली मां है और सदा रहेगी। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं देव की माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण। देवकी का पुत्र? मेरी देवकी का पुत्र? नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। कंस नहीं,
एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मार डाला, परंतु महाराज इसे नहीं मार सका वो। महाराज यह वही देवकी का आठवां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी, और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई महाराज, सत्य हो गई। सत्य हो गई? क्या कंस मारा गया? हां महाराज। किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हां महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये तुमने क्या किया कृष्ण, ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया, उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं, फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका, वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री। हां बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसीलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया, तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है, सो राजा बनने के बाद इस बात को सदा याद रखना कि कंस की भांति छोटे छोटे निरीह बालकों की हत्या करने वाले किसी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा, कभी क्षमा नहीं करना। परंतु मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री, उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, हैं, और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज। जय महाराज उग्रसेन की, जय महाराज उग्रसेन की, जय।
गच्छध्वम् संवदध्वम् सर्वमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाउपासते शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेहि ओम शांति।